हम लोग अवार्ड नाइट वहाँ पे करते थे, तो वहाँ पे अवार्ड वो क्या करता था, अवार्ड देने का वो क्या करता था पता, 2 लाख रुपया ले लेता था एक अवार्ड दिलाने का, क्या दादा साहब फालके अवार्ड मिल रहा है 2 लाख रुपया दो। वेलकम टू माई चैनल बॉलीवुड ऑल। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि राखी सावंत ने अपने एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया है कि दादा शाह फाल्के अवार्ड जो है वो आदिल खान दुरानी जो है 2-2 लाख लेकर और वो अवार्ड दिलवाता था। तो वो जो है इल्ज़ाम के बारे में जब दादा शाह फाल्के अवार्ड वालों ने उन्होंने सुना तो स्टेटमेंट सुना तो वो भी आ गए, एक उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उन्होंने पब्लिक में बताया इस बात का जवाब देते हुए कि ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी की तरह बन जाऊंगी, एक सेकंड बोलने से पहले ये तो सोचो मोदी जी कौन है, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप चावलों के बारे में बात करना चाह रहे हो कि वो गरीब बोल, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेहनत से आगे आके बने हैं। आप किसी को भी बोल रहे हो बुर्ज खलीफा का मालिक मेरा बॉयफ्रेंड है, गालियां दे रहे हैं लोग उनको, आप किसी पे भी एलिगेशन नहीं लगा सकते। एक और एलिगेशन लगा है, एक सेकंड, गैंगअप नहीं, कोई भी गैंगअप नहीं हो रहा है, सब सच्चे के साथ खड़े हैं, अगर एबीएच खड़े हैं वो उनको प्रूफ देने के लिए खड़े हैं और ये रेडी है, जब भी वो बुलाएंगे आके आगे बात करेंगे। मैं तो रेडी हूं, मुझे अभी बोला, मैं अभी आ जाए। कलन जी, आर यू गोइंग टू फाइल डेफामेशन केस अगेंस्ट राखी सावंत, आर यू गोइंग टू से यस यस, आर यू, मैं रेडी हूं, क्योंकि मेरा ब्रांड है ये तो फर्क पसंद है, इससे मतलब नहीं है मुझे। लेकिन उनके नाम पे भी उनका नाम खराब किया जा रहा है। अरे ब्रांड किसका है, तुम्हारा चैनल के ऊपर मैं केस करेगा, हमको ब्रांड किसका है, बंद कर, ब्रांड किसका है? तुम्हें किसी को बोलता है तुम आदिल से 1 लाख रुपए लेके उसको कवर करते, तुम छोड़ दोगे? छोड़ नहीं छोड़ेगा, मैं आदिल फाइल तो ये छोड़ देगा, मैं छोड़ दे क्या भाई, कल्याण जी है इन्हें का पता है मैं क्या चीज हूं, पूरी मीटर पता है। एक बात कहूंगा, दुबई आके घूम के भी नहीं आ सकते लोग, दुबई में 45 लोग को लेके जाके अवार्ड करना आसान काम नहीं है। एलिगेशन लगाने में लगता है आपको एक सेकंड, उसको प्रूफ करने में देखो कहां कहां किस किस को लाके खड़के, कौन से प्लेटफॉर्म में खड़के आपको प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है। मैं रोया हूं दिन भर शो करने के लिए, ये बंदा 2 दिन पहले मेरे पास रो के आए थे, बोले देखो मेरा क्या हो गया, आपको आना, मैं बोला डेफिनेटली मैं आऊंगा, मैं क्यों नहीं आऊंगा, बोलो आओ बोलो आप भाई, पैसा आप खाली इतना पूछ रहा हूं उनको कौन सी बैंक से पैसा दिया और वो 2 लाख रुपए किससे लिया है, वो आदमी खड़ा कर। नेक्स्ट स्टेप क्या आपका आदिल? नेक्स्ट स्टेप मेरा है, अरे उनका नेक्स्ट स्टेप तो मेरा है, और इंसान का इंस्टाग्राम वाला जो कल रखते थे उसके बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो मेरे पे बेसलेस लगा है, वो झूठा है, केस जो कभी भी नहीं था, उसके बारे में मैं कल प्रॉपरली बात करूंगा, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला हूं, मैं बात करूंगा, बट अभी मैं आया हूं दादा साहब फाल्के के ऊपर जो भी इल्जाम उन्होंने लगाया था घटिया इल्जाम, मैं प्रूफ करने के लिए आया हूं, मैंने प्रूफ किया है और ये बंदा बहुत दिल से अच्छा बंदा है और ही इज अ वेरी 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 नाइस पर्सन, बहुत हार्डवर्किंग बंदा है, किसी को लूटा नहीं है, वो इन्होंने किसी को लूट के पैसा नहीं बनाया है, तो आ रहा था यहाँ पर शो बंद कर इसी जगह पे, एक महीना पहले मैंने शो किया, सब 4 लोग आया था, ठीक एक महीने के बाद वापस शो कर रहा हूँ, इसका दुबई कर रहा हूँ, उसका वापस बॉम्बे है, वापस मेरा मलेशिया है, अगर मैं किसे खाता था ना भाई तो आता था यहाँ पे गेट खोल के, ये पैसा ना मेरा खाया नहीं किसी का, इसलिए सीना ठोक के मैं शो करता हूँ, मैं किसी का लिया हूँ तो आता था यहाँ पर ऐसा पड़ा पैसा ला कल्याण जी, क्यों क्योंकि लिया नहीं मैंने। आदिल आपके नाम से सोशल मीडिया में लगातार ये कैंपेन चल रहा है जस्टिस फॉर आदिल, क्या कहना चाहोगे? बराबर झूठ के खिलाफ जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा ना, जैसा मेरा झूठ हुआ है और मेरे जितने भी लोग हैं उन सभी का मैं नमन करता हूँ, बहुत अच्छा शो हुआ, सिमरन पूरा सिमरन ग्रुप का मैं नमन करता हूँ। आने वाले दिनों में क्या आदिल कोई सॉन्ग में आपके प्रोडक्शन हाउस के द्वारा कोई होने वाले नए सॉन्ग या कोई फिल्म आदिल के साथ में शो करेगा और बोलेंगे भाई 2 लाख रुपए लिया ना, तो भाई मुझे एक काम कर राखी सावंत, मुझे 2 लाख रुपए बंदा दो। आदिल आज की बात है जो राखी सावंत की जो तस्वीर आई है उस तस्वीर के बारे में आप क्या कुछ कहना? मैं डेफिनेटली इसके बारे में बात करूंगा, गलत बात करूंगा, मेरे पास कई चीजें बात करने के लिए, मैं प्रॉपरली बात करना चाहता हूँ, मैं प्लीज बात करूंगा, थैंक यू मीडिया, थैंक यू सो मच, लव यू सर, थैंक यू।